लाखों की दवाई फेल है इस वनस्पति के आगे, इसे खर पतवार समझने की गलती मत करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञान हेल्थ केयर चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो जड़ी बूटी बहुत ही कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी दूधी घास के बारे में बताने वाला हूँ। इसको आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे और शायद पहचानते भी होंगे। यह आपको सड़क के किनारे खाली पड़े खेतों में, नदी नाले के किनारे देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक होता है बड़ी दूधी घास और दूसरा होता है छोटी दूधी घास। लेकिन ये दोनों घास में कोई खास अंतर नहीं होता है, इसके औषधीय गुण एक समान ही होता है, तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बड़ी दूधी घास के बारे में बताने वाला हूँ। इसको दूधी घास या दूधिया घास के नाम से भी जाना जाता है। यह जमीन पर फैला हुआ और कई शाखाओं में बटा हुआ होता है। इसकी पत्तियों को तोड़ने पर इसमें से दूध निकलता है, जो काफी शक्तिशाली और गुणकारी होता है। यह स्वाद में हल्का कड़वा लगता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यह बड़ी दूधी घास मनुष्य जाति के लिए किसी वरदानीय औषधि से कम नहीं है। इसके प्रयोग से पुराने जटिल से जटिल बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके गुणों और फायदों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को स्किन से जुड़ी कोई बीमारी है, दाद हो गया है, खाज हो गया है, या कहीं पे पुराने खुजली की समस्या है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि इस दूधी घास को जड़ सहित उखाड़ लेना है। उखाड़ कर इसे अच्छे से धोकर बारीकी से पीस लेना है। इसके बाद इसको दाद खाज खुजली वाले स्थान पर लेप की तरह लगाना है। दाद खाज खुजली कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी पुरुष व्यक्ति को कमजोरी की समस्या है, उनकी पुरानी ताकत खो गई है, नसों में ढीलापन की समस्या है, तो यह दूधी घास उनके लिए एक वरदानीय औषधि है। इस दूधी घास को जड़ सहित उखाड़ कर इसको अच्छे से धोकर इसको धूप में सुखा कर पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को रोजाना आधा चम्मच की मात्रा में दूध के साथ सेवन करना है। कमजोरी से जुड़ी हर एक समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पैखाने के रास्ते खून आती है, वहां पे दर्द होता है, मस्सा हो गया है, अगर बवासीर की समस्या है, तो उसके लिए ताजी दूधी को पीस कर इसमें थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी मिलाकर सेवन करने से बवासीर में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को बालों की झड़ने की समस्या है, उनका बाल जल्दी से झड़ रहा है, गंजापन की समस्या है, या बाल सफेद हो रहा है, बाल पक रहा है, तो उसके लिए यह दूधी घास बहुत ही कमाल की औषधि है। इस दूधी घास को पीस कर इसका रस निकाल कर इसमें थोड़ी सी मात्रा में आंवले का रस मिलाकर अगर बालों पे लगाते हैं, तो बालों के हर एक समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यह दूधी घास दांतों के दर्द के लिए, दांतों के कीड़ा मारने के लिए एक जबरदस्त औषधि है। इस दूधी घास को थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक चबाएं और चबाकर इसको थूक दें। इससे दांत का दर्द ठीक हो जाएगी और दांत का कीड़ा भी मर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को तुतलाने की समस्या है, वे बोलने में सही से बात नहीं कर पाता है, तो इस दूधी घास के पंचांग का रस का सेवन करना होगा। इससे तुतलाना, हकलाना, बोलने में हिचकिचाहट ठीक हो जाएगी। यह दूधी घास खांसी दमा के लिए भी एक अच्छा औषधि है। अगर इस दूधी घास का काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं, तो खांसी दमा में बहुत ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।